हाय अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी गाइस, सीन कुछ ऐसे हैं कि मैं इस टाइम खड़ा हूँ रोड पे, सुनसान रोड है, ठीक है, और एक मेरा दोस्त है उमर। तो शुरू शुरू में वो मेरे व्लॉग में आया था, उमर नाम है उसका, ठीक है। तो अभी वो इन दिनों बड़ा नाराज़ है, अफसरदा है, नाराज़ रहता है, ठीक है, बाहर निकलता नहीं है, कुछ इन्जॉय वगैरह नहीं करता। तो मैं उसे ज़बरदस्ती ले कर आया हूँ बाहर, तो उससे वजह भी जानते हैं वो क्यों नाराज़ है, और उससे मिलवाते भी हैं आपको। तो किधर गया भाई? हाँ, ये अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप थोड़ा बाहर निकले हो, एंजॉय किया आपने कोई चीज़ आज? आप अब किधर जा रहे हैं? हम मंगला डैम। अच्छा, मंगला डैम जा रहे हैं जी। तो यार क्यों नाराज़ हो, क्या अफसरदा क्यों हो, क्या होता है आजकल? आप इधर हमारे पास होते नहीं हो, आप सरगोधा गए यार, छुट्टियाँ आए हूँ तो आपको मैं घुमाने लाया हूँ बाहर। वैसे आप क्यों नहीं बाहर आ रहे थे? यार फ्रेंड्स मेरे इधर जो थे वो चला गया है। अच्छा अच्छा, इसका गाइस फ्रेंड था एक खास, तो वो इसको मतलब दूसरे शहर में चला गया, तो इसलिए थोड़ा ये नाराज़ था। मैं इसको बाहर लेके आया हूँ बाहर थोड़ा घुमाने के लिए, मंगला डैम। मैंने उसको बोला चलते हैं मंगला डैम, तो अपना भाई है तो इसके साथ मंगला डैम घूमते हैं और आपको भी घुमाएंगे मंगला डैम, ठीक है। तो आज दूसरा पार्ट बना रहे हैं मंगला डैम का, तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम आ चुके हैं जी पार्किंग एरिया में, उमर पार्क करने गया है मोटरसाइकिल, तो यहाँ से हमें आगे जाना, ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होगी आपकी, तो 20-30 रुपए पार्किंग एरिया के लगते हैं, ठीक है। अभी हम आपको डैम दिखाते हैं आगे जाके, एंटर हो चुके हैं। जी गैस, अभी हम पहुँच चुके हैं जी डैम के बिल्कुल करीब। ये सारा है डैम, मंगला डैम। नीचे बोटिंग वाला निज़ाम है, वो भी आपको दिखाते हैं। गाइस अभी हम नीचे जा रहे हैं, ये देखें बोटिंग सिस्टम के पास जा रहे हैं, आपको बोटिंग बताते हैं कैसे होती है और क्या हिसाब किताब होता है। और इससे पहले मैं आपको डैम की थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। ये जो डैम है मंगला डैम, पाकिस्तान का दूसरा मतलब सेकंड लार्जेस्ट डैम है पाकिस्तान का, ठीक है। फर्स्ट पे जो है वो है, क्या नाम है, तरबेला डैम। ये मंगला डैम जो है 1965 में बनना स्टार्ट हुआ था, 1965 में, और 1967 यानी कि 2 साल बाद जाके कंप्लीट हुआ था 1967 में। अभी हम जा रहे हैं इसके ऊपर, ये इस ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल है। ओ चढ़ाया आप, थैंक यू उमर, थैंक यू, अगर आप ना होते मैं गिर जाता। ये है जी पहाड़ बीचों बीच डैम के। जब पानी फुल होता है, इतना मैं आपको बता दूँ, ये जो ये नज़र आ रहा है आपको ये पहाड़ी, ठीक है, ये डूब जाती है, ठीक है। पानी वैसे आम तौर पर इधर तक होता है, ये जो नीचे नज़र आ रही है आपको, ये बिल्कुल ना ख़त्म हो जाती है, ये पहाड़ी पानी के अंदर आ जाती है, ठीक है। ये बोटिंग सिस्टम आर्मी के अंडर है। इस टाइम लोग कम है तो इसलिए बोटिंग नहीं हो रही। Thank you.
हैं जी बोटिंग सिस्टम। ये कैसे चलती है? ये पैदल, इस पर ना बंदा बैठता है और खुद अपने पांव पैडल मार के ये चलाता है बंदा, ठीक है। और एक बोट आ रही है, आपको दिखाते हैं। ये छोटा मिनी टाइटैनिक, ये नीले कलर का। और एक और टाइटैनिक भी है, वो आपको मैं जाते वक्त दिखाऊंगा। और डैम का पानी, मंगला डैम का पानी बहुत ही ठंडा होता है, ठीक है, मौसम जो मर्जी हो। अभी आप पाँव डाल के दे सकते हैं, जब आप आएंगे तो पाँव डालना ज़रूर, ठीक है। अभी हम डाल रहे हैं, इसके लिए हमें पहले जूते उतारने पड़ेंगे। उमर को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पाँव डालने का। हाथ है ना यार, हाथ। हाँ हाथ डालो, चलो। ठंडा है? हाँ, सुबह फजर के टाइम जब उठते हैं ना, जो हालत होती है ये वो वाला बंद। अच्छा अच्छा। मंगला में रह के पानी की किल्लत तो नहीं है भाई, डैम हमारे पास है। तो कैसा लगा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। तो अभी ख़त्म करें और अभी आप व्यूअर्स को दिखाते हैं टाइटैनिक, और अभी हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से आए हुए हैं। मारी जाए वो अच्छा है। और ये है जी टाइटैनिक का आधा हिस्सा, ये देखिए कितना बड़ा टाइटैनिक है। आधा हिस्सा समुद्र में पड़ा है और आधा ये है। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा व्लॉग, और ये बहुत खुश हो गया और हम भी बहुत खुश हैं। मौसम बहुत अच्छा है, आप भी विज़िट करें डैम। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।